green light. Today I am having a holiday. आज मेरा हॉलीडे है और मैं अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, मेरी जिसमें मेरे मदर हैं, मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं और मेरे सिस्टर हैं, उनके साथ मैं पिकनिक पे जा रहा हूँ. Holiday. I am going to a picnic with my mother, father, brother and sister. Family. Parents and their children make a family. Father and mother are called parents. Family क्या होती है? Parents और उनके children मिलके एक family बनाते हैं और father और mother जो होते हैं वो parents कहलाते हैं. Family members. अब family members कौन होते हैं? People living in a family are called family members. जो लोग family में रहते हैं वो family members कहलाते हैं. People living in a family are called family members. Our father and mother are our parents. हमारे जो father और mother हैं वो हमारे parents हैं. Our brother and sisters are our siblings. हमारे brother और sister जो हैं उनको siblings कहा जाता है. The parents of our father and mother are our grandparents. जो हमारे father और mother के parents हैं उनको grandparents बोला जाता है. The brothers of our father and mother are our uncles. जो हमारे mother और father के brother हैं उनको uncle बोला जाता है. The sisters of our father and mother are our aunts. अब जो हमारे फादर और मदर की सिस्टर्स होती हैं उनको हम आंट्स बोलते हैं. The children of our uncle and aunt are our cousins. जो हमारे अंकल और आंट के बच्चे होते हैं उनको हम कजिन्स बोलते हैं. Types of families. A family may be small or big. अब types of family. Family या तो छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है. Parents and their one or two children make a small family. पेरेंट्स और उनके एक या दो चिल्ड्रन जो होते हैं वो मिलके स्मॉल फैमिली बनाते हैं. अब स्मॉल फैमिली को न्यूक्लियर फैमिली भी कहा जाता है. A small family is called a nuclear family. A big family has parents, grandparents, uncles, aunts and cousins. अब बिग फैमिली में कौन कौन होते हैं? पेरेंट्स, ग्रैंडपेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजिन्स. बिग फैमिली को जॉइंट फैमिली भी कहा जाता है. अ बिग फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली. थिंग्स दैट अ फैमिली डज टुगेदर. वो चीजें जो फैमिली साथ में करती है. फैमिली साथ में खाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, साथ में लंच करते हैं, वो साथ में खेलते हैं. दे ईट टुगेदर. दे प्ले टुगेदर. वो साथ में खेलते हैं. They celebrate together. वो साथ में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. They love and care each other. वो एक दूसरे की केयर करते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं. They share the work. वो एक दूसरे की काम में हेल्प करते हैं. Points to remember. अब points to remember क्या है? There are two types of families, small और big. दो टाइप्स की फैमिलीज होती है, एक तो स्मॉल और एक बिग. There are two types of families, small and big. Keywords, picnic. अब यहाँ पर कीवर्ड्स दिए हैं जिनके मीनिंग हमको ढूंढने. पिकनिक का मतलब क्या होता है? एन आउटिंग वेयर द फूड इज पैक्ड एंड ईटन इन ओपन एयर. एक आउटिंग होती है, पिकनिक का मतलब एक आउटिंग होता है जहाँ पर हम फूड पैक करके ले जाते हैं और वहीं हम ओपन एयर में वो फूड खाते हैं. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड.